बेकरी प्रोडक्ट हो या फूड प्रोडक्ट हो, लोगों के मन में रहता है कि इसकी पैकेजिंग कॉस्ट बहुत जाती है प्रोडक्ट की, इसीलिए मैं अपने बिजनेस की स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा हूं या बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। पर मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जहां मैं कई सारे एग्जांपल्स में से कुछ मेन एग्जांपल रखा हूं यहां पर कि इस तरह की पैकेजिंग करने में बहुत कम कॉस्ट लगती है। ये कुकीज सेगमेंट है बेकरी प्रोडक्ट का, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट का, कैसे अपना फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करके वो भी एक ऐसी पैकेजिंग जिसकी कॉस्ट मात्र 10,000 रुपए है, वहां से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के बिजनेस शुरू करने में आपका कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं होने वाला है। ये 50,000 के अंदर अंदर शुरू होने वाला बिजनेस है जिसमें 5 से ज्यादा रेंज आप मार्केट में लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको बिजनेस करना है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में मैंने एक सिस्टम सीखा, मार्केट में पैटर्न को सीख के आपको वही चीजें समझा रहा हूं। जैसे मैंने 500 से ज्यादा जो ब्रांड लॉन्च करवाए अपनी कम्युनिटी में, आखिर वो क्या सिस्टम है, जिसमें से कुछ बातें मैं आज आपके साथ में डिकोड करूंगा। देखिए, हम फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मसाले जैसे प्रोडक्ट में पैकेजिंग का कॉस्ट ज्यादा जाता है, चिप्स जैसे प्रोडक्ट में कॉस्ट ज्यादा जाता है, इसके अलावा हम नमकीन लॉन्च करें तो कॉस्ट ज्यादा जाता है, कैंडीज लॉन्च करें तो उस तरह के प्रोडक्ट की भी पैकेजिंग कॉस्ट ज्यादा जाती है। पर आज मैं आपको ये 50,000 में 5 प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देंगे, उस तरह के बिजनेस आइडिया को डिकोड करूंगा, साथ ही ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा, किस तरह की इसकी साइकिल है, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम मार्केट को देखते हैं और मार्केट को समझते हुए अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कई सारी जगह हमारे सामने चैलेंज ये आता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, इस वजह से मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूं काम। अगर मेरे पास में पैसा हो तो मैं बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं। पर आप देखिए कि फूड इंडस्ट्री में जहां अगर आपके ये प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, अब ये प्रोडक्ट मैंने कैसे खरीदे मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा ये लोकल प्रोडक्ट है, ये पैकेजिंग खराब है, इसमें तो क्या कोई भी लॉन्च कर देगा, नहीं, या ये बिकेगा नहीं। ये मॉडर्न ट्रेड वाला प्रोडक्ट लेकर आया हूं मैं डीमार्ट से खरीद कर, जिसमें एक कैटेगरी वाली आउटलेट बोला जाता है इस मार्केट में मॉडर्न ट्रेड जैसे आउटलेट को, क्योंकि वहां पर अगर कोई प्रोडक्ट प्लेस कर रहा है जो आपके आसपास सुपरमार्केट होते हैं ना, तो इसका मतलब वहां पर प्रोडक्ट जा रहा है, तो कंज्यूमर अगर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोकल मार्केट में भी, जनरल ट्रेड में भी इस तरह की पैकेजिंग में अपने प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, बशर्ते आपको एक सही स्ट्रेटेजी, सही मार्केट का जो पेनिट्रेशन होता है वो समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में मैंने जो आपको बताया कि फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग इतना मैटर नहीं करता है कई कैटेगरीज में, वहां आपकी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी और आप अपने बिजनेस में किस तरह से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं वो चीजें मैटर करती हैं। अभी इन प्रोडक्ट की आउटलुक की हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट आउटलुक क्या है। देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, फूड इंडस्ट्री में एक बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपके सामने भी दिखाई दे रहा है मेरे पास में इस वक्त 3 SKUs हैं, एक SKU मिलाकर अगर हम बात करें जिसकी पैकेजिंग अलग है तो 4 SKU हो गए हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इन पैकेजिंग, इन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, फिर हम इस तरह के प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एक मेंटल ब्लॉक होता है कि मेरे पास में प्रोडक्ट की कैपेसिटी होगी बनाने की तो मैं बिजनेस शुरू करूंगा, उस तरह का बिजनेस नहीं है ये। यहाँ बने बनाए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं मार्केट से, इन प्रोडक्ट को पैक करते हैं इस तरह की पैकेजिंग में, और इस तरह की पैकेजिंग में आपका जो नीचे का जो ट्रे दिखाई दे रहा है, इसको बनवाने का कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ये बनी बनाई आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। ऊपर आपके लिए एक श्रिंक पैकेजिंग मशीन या ये बोल दीजिए वैक्यूम सीलिंग मशीन आती है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा एक यहाँ पर फसाई का ट्रेडमार्क वाला एक स्टिकर लगा हुआ है, कंपनी ने अपनी पॉलिथीन पर ब्रांडिंग कर रखी है बैकहर्ट करके। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है और फसाई का लाइसेंस लगा हुआ है और एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। तो आप स्टार्टिंग में अगर देखें तो इस तरह के प्रोडक्ट को बनाना सिंपल सा एक बार का काम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को स्विच करना है स्टार्टिंग में, सिर्फ उसी फोकस करना है पैकेजिंग बनाने पर। जब आप पैकेजिंग बना के लॉन्च करते हैं तो आपका SKU डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, भाई जीरा चलेगा या ये इस तरह के रस्क चलेंगे या नान खटाई चलेगी, वो आपका बाद में डिसाइड होता है जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं। तो लगभग ये प्रोडक्ट आपको कैसे अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह के बिजनेस में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, वो आता है दुकानों पर इस प्रोडक्ट को प्लेस करना। तो मैं आपको टारगेट मार्केट समझा देता हूँ कि प्लेस कहाँ करेंगे आप, प्लेस मतलब दुकानों पर पहुंचाना, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। तो अभी तक हमने समझा इंडस्ट्री आउटलुक, प्रोडक्ट आउटलुक, कैटेगरी आउटलुक, प्रोडक्ट
कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा सेल्स की बात कर लेते हैं। देखिए 90% लोग अपने प्रोडक्ट बना लेते हैं, मार्केट में लेकर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बिकॉज उनको गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं पता है, सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं पता है। यह प्रोडक्ट आपका दो तरीके से बिकेगा, एक तो बिकेगा ऑफलाइन, एक बिकेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका ये प्रोडक्ट जब बिकेगा तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग का यूज होगा इसमें, अपनी वेबसाइट से आपको ऑर्डर्स लेने होंगे। फर्स्ट तरीका ये होगा, क्योंकि ये एक स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, इसमें हम कस्टमर्स कंज्यूमर्स को टेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। जो कंज्यूमर दुकानों से खरीद रहे हैं वो ऑनलाइन भी खरीदेंगे आपके ये प्रोडक्ट। सेकंड जो ये प्रोडक्ट है वो बिकेगा आपका ऑफलाइन, जिसमें हम जनरल ट्रेड, इसके अलावा ईटरी शॉप्स, होरेका जो होगा वहां ये प्रोडक्ट बिकेगा। होरेका मतलब होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, इस तरह के ईटरी शॉप्स तक ही आपका प्रोडक्ट जाने वाला है। तो आपके लिए चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, इस प्रोडक्ट को सीखना जरूरी है कि कैसे स्टार्टिंग से प्रोडक्ट लॉन्च होगा, कैसे फनल क्रिएट होगी, कैसे सेल्स तक हम इस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। ओवरऑल इसमें एक प्राइसिंग फैक्टर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का कैटेगरी वाइज प्राइजेस अलग रहने वाला है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे ये जीरा जो आपके सामने कुकीज है इनका प्राइस सेम रहेगा तो इसका भी सेम लॉन्च करा, ऊपर नीचे इनके प्राइजेस रहेंगे, तो वो आपको एक फाइनलाइज करना होता है स्टार्टिंग में। सेकंड में आपको इसमें प्राइसिंग के साथ में पैकेजिंग अपडेटेशन बताता हूं, क्योंकि अभी तक तो ये जैसे बेसिक पैकेजिंग आपको दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग में ये एक तरीका अच्छा है, इसके बाद में हमें इस तरह की पैकेजिंग पर जाना होता है। इसमें अगेन सिलेंडर प्रिंट होता है और ये पैकेजिंग आपकी ऑटोमेटिक मशीन या फिर बैंड सीलर मशीन से पैक होती है। तो इसमें हमारा ये देख लीजिएगा, हमें अगर ये 10 कदम चलना है ना स्टार्टिंग के, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट से चल सकते हैं और महीने के 1-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। फिर जब हमारे पास में पैसा हो जाता है, फिर हम ये मार्केट फिट पैकेजिंग लॉन्च करते हैं, जिससे कि हमें कंज्यूमर के हिसाब से यहाँ हमारी पूरी की पूरी ब्रांडिंग आ जाती है, एक मार्केट फिट प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, और फिर हमें कस्टमर कंज्यूमर पहचानने लगते हैं। तो आइडियली आपको शुरुआत इससे कर लीजिए आप, और देन फिर इस तरह की पैकेजिंग पर आ जाइए। अभी डिटेल में अगर आपको समझना है तो फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मिस कॉल दे सकते हैं इस नंबर पर, सीख सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं कि कैसे कामकाजी एकेडमी में आप आकर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपको क्लियर करा होगा, डिटेल मैं बहुत कुछ बता सकता था पर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें बताते वक्त ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और मैं मानता हूँ कि आपको शॉर्ट में अगर समझ में आया है तो डिटेल में आपको समझना और सीखना पड़ेगा। तो जस्ट ज्वाइन करें कामकाजी एकेडमी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला सिखाऊंगा।